बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, और हम भी आपकी दुआ से ठीक है, अच्छे हैं। और अल्लाह ताला बीमारों को सेहत दे, हर बलाया की दूर करे, अनहेल बलाया की उठा ले, मुसीबतों को उठा ले, अल्लाह सबको अच्छा रखे, आमीन आमीन। तो आज हम बना रहे आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमें आलू चाहिए। पहले ये आलू लिए हमने, 6 से 7 आलू है, छोटे बड़े मिला के। इसमें को हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, थोड़ी अजवाइन डालेंगे, और ये हरी मिर्ची, हरी मिर्च 2-4 हरी मिर्च है, और उसमें लहसुन की कलियां है 10-12, उसको पीस कर हमने उसको पेस्ट बनाया। और ये गेहूँ का आटा है कप में, और तेल लगेगा हसबे ज़ायका, नमक और चिली फ्लेक्स डालेंगे, बाकी हल्दी, नमक, गरम मसाला जो भी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। सबसे पहले हम आलू छीलेंगे, आलू छीलेंगे, आलू को बॉयल करके रखे हैं, उबाल कर रखे हैं हमने, तो हम ये छीलेंगे। आलू के पराठे, बच्चे बार बार बोलते हैं आलू के पराठे, आलू के पराठे खाते हैं, बस आलू के पराठे ही बोलते हैं। देखिए आलू हमने अच्छे से उबाल कर रखे हैं, तो ये आलू हमने छीले हैं इस तरह से। अब इसको मैच करेंगे अच्छे से, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और आपके फॉलो का इंतज़ार रहेगा। और उस पर हमारी जो आईडी है शाही किचन, जिसमें हमारी बच्ची की तस्वीर है, छोटी बच्ची की तस्वीर है, तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर भी आपका इंतज़ार रहेगा, फॉलो कीजिए प्लीज़। इसको अच्छे से मैच किया है हमने अभी, अब इसको हम करेंगे, इसमें हम सब मसाले डालेंगे अभी। ये जो है मोटा जीरा लिए हमने थोड़ा, बिस्मिल्लाह मानी रही, और थोड़ी अजवाइन लिए हैं जो गर्म होती हैं, और अभी मतलब बच्चों को सर्दी वो वगैरह वगैरह जो भी रहता है, ये गर्म रहती है तो हमारे को अच्छा रहता है खाने पे डाले तो। और ये जो पेस्ट बनाया हमने हरी मिर्च की, 2-4 हरी मिर्च है, 10-12 लहसुन की कलियाँ है, जिसे लहसुन की कलियों से हमें बहुत सा मज़ा आता है खाने में, टेस्ट होता है। और ये हरा धनिया है जो हमने काट कर रखा है, और चिली फ्लेक्स है जो हम थोड़ी सी डालेंगे, चटपटा बने हमारा आलू का पराठा। नमक डालेंगे, तो 8 चम्मच हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, गरम मसाला डालेंगे 1/2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, और थोड़ा धनिया डालेंगे जो मोटा हमने भून कर पीस कर रखा है, तो दरदरा है, तो 1/2 चम्मच डालेंगे। हरी मिर्च डाले हैं इसलिए हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे, और इसमें नमक डाल, ये आटा डालेंगे हम, क्योंकि आटा है तो आलू को पकड़ता है, और हमारे जो पराठे हैं टूटेंगे नहीं, तो आलू से हमारा, ये आटे से हमारा आलू का मज़ा और बढ़ जाएगा। 1 कप आटा लिए हमने, तो हमारे आलू के पराठे के लिए हम 1 कप आटा, हमें पानी नहीं लगेगा, लगा तो पानी भी डाल सकते, वैसे तो आलू उबले हुए हैं उसमें खुद पानी होता है, और पानी लगा तो थोड़ा बहुत डालना पड़ता है, नहीं लगा तो नहीं डालेंगे, लगा तो डालेंगे।
आलू के पराठे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। बस आलू के पराठे, आलू का सालन जो बोलते हैं, बस बच्चों को सब्जियों में से आलू बहुत पसंद होते हैं। और चटपटे पराठे, और लहसुन की कलियाँ जो डाले हैं वो भी उसको टेस्ट को बढ़ा देता है पराठे के, जिससे हमारे पराठा लजीज और यम्मी दिखता है। देखिए हमने एक एक कप आटा लिए थे, सनक सना आटा डाल दिए। आलू जितने ज़्यादा रहेंगे वो हिसाब से हमारा आटा भी रहेगा। ज़्यादा आटा भी नहीं डालेंगे, क्योंकि आलू के पराठे हैं तो ज़्यादा आटा नहीं चाहिए। इसको भरकर भी बनाते हैं बहुत से लोग, हमने बनाते हैं भर के, हमको पसंद नहीं आते इसलिए हम भरकर नहीं बनाते हैं। पूरी जैसा भरते हैं, हम थोड़ा तेल डालेंगे ताकि जो हाथों को लगा है वो निकल जाए। हमको पानी बिल्कुल भी नहीं लगा है, क्योंकि बॉयल के आलू है तो उबाल कर रखे है तो उसमें खुद आलू में खुद पानी होता है, इसलिए हमें पानी नहीं डालने का। तो पानी डालने से क्या होता है, और पतले हो जाते हैं आटा, मतलब जो भी है वो पतला हो जाता है, इसलिए पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादातर। और नमक को चेक कर देख लेना चाहिए कि बराबर है या नहीं है, तो नमक अपने हिसाब से हद जाएगा, न कम न ज़्यादा। तो हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इसके, उसके बाद हम उसको बेलेंगे। छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, इस तरह से पेड़े बनाएंगे। ये आलू है ना, हाथों को चिपकते रहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाएंगे, थोड़ा टपकाते जाएंगे, ताकि आटा ये जो है हमारे हाथ पे चिपके ना। गैस ऑन करेंगे, इसको खुश्की लगाएंगे। और धीरे धीरे बेलेंगे, चिपक आलू चिपक जाते हैं तो। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इसकी, इसमें ज़ीरा लहसुन की कलियाँ वो डालने से। और आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, मज़ा आलू का नहीं बल्कि आटे का दिखेगा, इसलिए हमें आटा कम डालना चाहिए और छोटे छोटे बेलना चाहिए। अब हम तवे पर तेल डालेंगे थोड़ा, जब तक दूसरा बेलेंगे हम।
तेल डालेंगे। आलू के पराठे नरम बहुत होते हैं। Me lavo de nuevo con agua. अच्छे से बने, नरम बहुत होते, बहुत नरम नरम होते हैं एकदम, मुंह में डालते घुल जाते हैं वो, क्योंकि आलू 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 के होते हैं ना, इसलिए बहुत नरम होते हैं, उसको बहुत ही संभल संभल के बनाना पड़ता है, बहुत जल्दी ये हो जाते हैं। और आटा डालने से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल आटे का मज़ा आता है, रोटी का मज़ा आता है, आलू का मज़ा ही नहीं आता, इसलिए आटा कम डालना चाहिए। छः सात आलू लिए थे हमने छोटे छोटे, उसमें इतने सारे इतने बने हैं छोटे बड़े मिलाकर। और सुलो रंग कम ज़्यादा आँच करते रहना चाहिए, ज़्यादा आँच पर जल जाते हैं वो, थोड़ी कम ज़्यादा आँच करना चाहिए पकाते वक्त। जितना हो सके उसको हाथ से ही पलटना चाहिए। देखिए तो हमारे आलू के पराठे, आलू आलू के पराठे बन चुके हैं, छः सात पराठे बन चुके हैं हमारे। हमने छः सात आलू लिए थे, छोटे छोटे आलू थे जिसमें हमारे छोटे आलू के पराठे बने हैं। देखिए कितने मज़ेदार यम्मी और चटपटे हैं, हरी मिर्ची से चटपटे होते हैं। चिली फ्लेक्स भी डाले हैं हमने। तो देखिए हमारे पराठे हैं, इसको खाइए, टमाटर केचप से खाइए या फिर ऐसे भी खाइए आप, या रूखे खाइए, फिर इन्हें केचप के बगैर भी खा सकते, केचप से भी खा सकते। तो हमारे देखिए कितने नरम होते हैं और इतने खुशखुशे होते हैं नरम आलू के पराठे। और इसको केचप से लगाकर खाइए, यम्मी टेस्टी। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करें प्लीज़, हमारे चैनल का नाम है शाही किचन, आपके फॉलो का इंतज़ार रहेगा हमको। और हमारे आलू के पराठे भी आप देखिए किस तरह से बने हैं, आप भी बनाएं और खाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।